राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रचित कुणाल, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है लैब्राडोर रिट्रीवर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लैब्राडोर। लैब्राडोर का पूरा नाम है लैब्राडोर रिट्रीवर, और इसे अपने इंडिया में लैब्राडोर भी बोलते हैं, और इसको कॉमनली कई जगह लैब भी बोलते हैं। ओरिजन है लैब्राडोर का न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है, कैनेडियन आइलैंड है ये। इसे इसका ओरिजन वहाँ बताया गया है, और कहीं जगह विकिपीडिया में इसको यूँ कहा गया है कि ये यूनाइटेड किंगडम से भी बिलोंग करता है। वेट, मेल और फीमेल लैब्राडोर का वेट अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी बॉडी साइज और उनके फंक्शन अलग होते हैं। मेल लैब्राडोर का वेट होता है 29 से 36 केजीज के बीच में, और फीमेल लैब्राडोर का वेट होता है 25 से 32 केजीज के बीच में। इन दोनों की फोटो आपको यहाँ दिख जाएगी। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि लैब्राडोर बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। तो अमेरिकन केनल क्लब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो लैब्राडोर का टेम्परामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, जो इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये सेफ होता है बच्चों के लिए। और हमने कई बार देखा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, तो हम इनको बच्चों के साथ रख सकते हैं। और क्वेश्चन है कि इसको आप गार्ड डॉग की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो पहले लैब्राडोर यूज़ होते थे इनके एंशियंट टाइम में, तो वहाँ पे इन्हें हंटिंग डॉग की तरह यूज़ करते थे, तो इससे पता चलता है, और गार्ड डॉग्स की तरह भी यूज़ करते थे, तो इससे पता चलता है कि अगर हम इन्हें गार्ड डॉग की तरह भी रख सकते हैं, अगर इसका हम ओवरवेट ना करें। इनको ओवरवेट, सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर कि लैब्राडोर जो होते हैं वो ओवरवेट हो जाते हैं हमारे खाने की वजह से, जो हम खाना उनको खिलाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कुछ और मिलता था, यहाँ इनको कुछ और मिलता है। तो इसका मेन जो दिक्कत है कि इनको गार्ड डॉग की तरह इसलिए नहीं रह पाते, और इनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है इस वजह से, क्योंकि इनका ओवरवेट हो जाता है। मैंने वेट आपको पहले बताया था वीडियो के अंदर, तो उस वेट तक ही रखना चाहिए इनको। तो और आपने जो जब आप पप लेते हैं लैब्राडोर का, तो इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो उसको आपने मेंटेन रखना चाहिए, और प्रॉपर वेट के साथ वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं उनको, उनके साथ इसके प्रॉपर जो डाइट वगैरह है और मेडिसिन है वो चेक करवानी चाहिए, उनको वैसे ही रखना चाहिए। अब प्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि लैब्राडोर को कैसे पता चलता है कि वो प्योर है या नहीं है। सबसे पहले लैब्राडोर सिर्फ सिंगल कलर में आता है, सिंगल मल्टी कलर्स नहीं होते इनके। तीन कलर होते, येलो, ब्लैक और चॉकलेट। और इनकी जो बॉडी साइज होती है, जो बॉडी शेप होती है, वो पावरफुल और मस्कुलर बॉडी होती है। इनकी बोन्स जो होती है वो हैवी बोन होती है, जितनी हैवी बोन होगी उतना ही ज़्यादा प्योरिटी पता चलती है कि डॉग प्योर है। और इसका जो कोट होता है वो शॉर्ट होता है और डेंस कोट होता है, तो हमें उसकी ग्रूमिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा बाल भी नहीं झड़ते, तो इन्हें हम घर के अंदर भी रख सकते हैं। और जो होते हैं इनका हेड होता है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड हेड होता है। और जो इनका पप होते हैं उनका जो एप्पल फेस बोलते हैं उसे, तो मतलब बॉक्स फेस लाइक उनका हेड होता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। और बहुत सारे इसके स्टेजेस है जिसे पता चलता है, स्टेप्स है कि ये प्योर है या नहीं है। तो मेन स्टेप्स यही हैं कि इससे पता चल जाता है कि बच्चा प्योर है या नहीं है इसमें। और मेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हैवी बोन है, इससे इसका प्राइस डिफरेंस भी होता है। अब बात करते हैं इसकी ब्रीडिंग के बारे में। इंडिया के अंदर डॉग ब्रीडिंग एक अच्छा बिजनेस है। जो बिगनर्स हैं, जो इस बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस डॉग को ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो लीटर जो होते हैं, जो ये पप देती है, जो बीच होती है इनकी, वो 5 से 10 देती है, और एवरेज 6 से 7 पप्स जो होते हैं वो आते हैं इसमें। तो और लैब्राडोर ऐसा ब्रीड है जो हर तीसरे घर में मिल जाता है, जो शौकीन है इन चीज़ों का, तो हम इसे अच्छा एक बिगनर डॉग भी कह सकते हैं कि जो ब्रीडिंग पर्पज स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस आपको लैब्राडोर के बहुत सारे मिल जाएंगे, 5,000 का भी मिल जाएगा, 10,000 का भी, 15 का भी, और 20 से ऊपर का भी। तो वो सारा इसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। जो 5 से 10 के बीच में जो आते हैं वो उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, वो मिक्स भी होते हैं, क्योंकि मिक्स ब्रीड करवा देते हैं, जो ये नहीं कह सकता मैं कौन करवाता है, क्योंकि कोई भी गलती से भी हो जाता है, और कोई जानबूझ भी करवाता है ताकि उनको पैसे अच्छे मिल जाए। जो अच्छी क्वालिटी होती है, जो हैवी बोन होती है, वो आती है आपको 13,000 से 20,000 के बीच में आ जाती है, जो बढ़िया क्वालिटी के लोग होते हैं। और जो KIC जो पेपर से जो होते हैं,
वो होते हैं जिस रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको मिलेंगे 20 अबव, 20,000 से अबव। वो बस ये रजिस्ट्रेशन होते हैं उनकी और उसका रिकॉर्ड होता है उस पप का। जो हैवी बोन पप होते हैं वो नॉर्मल बिना रजिस्टर्ड पेपर्स के आपके 10 से 20,000 के बीच में अप्रोक्स मिल जाए। तो इसी के साथ आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कोई और वीडियो बनवानी है किसी और टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करें, और कोई क्वेश्चंस है इस वीडियो के रिलेटेड और किसी भी चीज़ के रिलेटेड उसके लिए उसे भी कमेंट करें। और अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो में कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उसे सुधारें। और अगर आपको इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर गेन होते नॉलेज तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।